गौरी कवि बहुत ही कंजूस कवि थी। वो अपने बेटे जग्गू कव्वे के साथ एक घोंसले में रहती थी। वो कवि कंजूस होने के कारण अपने बेटे जग्गू का कुछ भी ध्यान नहीं रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जग्गू कव्वे की बहुत बुरी तरीके से तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी माँ से हॉस्पिटल ले जाने की विनती करता है, लेकिन गौरी कव्वे तो उसमें भी अपना कंजूसपन दिखाती है। माँ, तुमको मुझसे ज्यादा पैसों की पड़ी है, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। तुम अपने पैसों से ही प्यार करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जग्गू कव्वा इतनी बुरी हालत में ही घर छोड़कर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर उधर ही सो जाता है। दूसरे दिन रानू चिड़िया और उसकी बेटी छोटी जग्गू कव्वे को पेड़ के नीचे सोते हुए देख लेती हैं। छोटी बेटा, ये जग्गू तुम्हारा दोस्त है ना, ये यहाँ पर आके क्यों सो रहा है? माँ, जग्गू कव्वे की तबीयत काफी दिनों से खराब थी। वो स्कूल में भी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था। एक दिन मैं उसके घर गई तो उसकी माँ ने मुझे भगा दिया था। वो दोनों की बातों से जग्गू कव्वा नींद से जग जाता है। अरे जग्गू बेटा, तुम यहाँ आकर क्यों सो रही हो, क्या हुआ है? क्या बताऊँ रानू आंटी, मेरी माँ इतनी कंजूस हो गई है कि मुझे हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा रही है। मेरी माँ को मुझसे ज्यादा अपने पैसों से प्यार है, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। अरे ये गौरी बहन को क्या हुआ है, उसको तो पैसों का पागलपन चढ़ गया है। जग्गू कव्वा बातें करते हुए ही चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। छोटी बेटा, ये जग्गू को क्या हुआ है, इसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, जल्दी से चलो। फिर जल्दी से रानू और छोटी मिलकर जग्गू को हॉस्पिटल ले आते हैं। जग्गू की तबीयत काफी दिनों से खराब है, इसका कोई भी ध्यान नहीं रख रहा है क्या? मैंने इसको दवाई दे दी है, थोड़े दिनों में ये ठीक हो जाएगा। जग्गू बेटा, अब तुमको कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम कुछ खाए हो? अब मैं ठीक हूँ रानू आंटी, मैंने दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अरे जग्गू बेटा, चलो मैं तुमको मेरे घर ले चलती हूँ। रानू आंटी, मुझे कोई अनाथ आश्रम में डाल दीजिए, क्योंकि मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहता। जग्गू बेटा, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, तुम मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो। जैसे मैं छोटी से प्यार करती हूँ, वैसे ही तुम्हें भी करूँगी। चलो अब चलते हैं। फिर रानू चिड़िया जग्गू कव्वे को अपने घर ले आती है। रानू चिड़िया छोटी चिड़िया को और जग्गू कव्वे को बहुत प्यार करती है। वो दोनों का अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद गौरी कव्वे के घर उसके सास आती है। जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ हो तुम, इधर आओ, देखो तुम्हारी दादी आई है। माँ जी, जग्गू तो स्कूल के पिकनिक में गया है, वो थोड़े दिन तक घर नहीं आएगा, आप यहाँ कैसे आ गई हो, क्या बात है? गौरी बेटा, अब तुम्हें तो पता है ना, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं किसी अनाथ आश्रम में जाके रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं सारी जायदाद जग्गू कव्वे के नाम लिखना चाहती हूँ। ये बातें सुनकर गौरी कव्वे को लालच आ जाता है। गौरी बेटा, अब तुम बोल रही हो कि जग्गू घर में नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिनों बाद आऊंगी। वैसे भी कुछ दिनों में जग्गू कव्वे का जन्मदिन है,
उसी दिन पर मेरी सारी जायदाद उसके नाम लिख दूंगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अरे ये बुढ़िया तो सारी जायदाद जग्गू के नाम लिखना चाहती है। अब तुरंत मुझे जग्गू कव्वे को मेरे घर लाना पड़ेगा। गौरी कव्वे अपने बेटे को वापस लेने के लिए रानू के घर जाती है। अरे गौरी तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमको कुछ शर्म नाम की चीज नहीं है? जग्गू बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं वापस तुमको लेने के लिए यहाँ आ गई हूँ। चलो जग्गू बेटा मेरे साथ चलो, अब से तुम्हारी माँ तुमसे कुछ भी नहीं कहेगी। तुमको जो चाहिए वो भोजन बना के दूंगी। फिर जग्गू कव्वा अपनी माँ को माफ कर देता है, उसके साथ उसके घर आ जाता है। जन्मदिन के दिन गौरी कव्वा अपने पैसे खर्च करके एक बड़ा सा पार्टी रखती है। उस पार्टी में सारे जंगल के पक्षियों को बुलाती है। तभी जग्गू की दादी जग्गू कव्वे से मिलने आती है। जग्गू बेटा तुम कैसे हो? तुम्हें देखने के लिए मैं घर आई थी, तब तुम नहीं थे। मैंने सोचा कि मेरी सारी जायदाद तुमको दे दूं, लेकिन ये नहीं हो सकता है क्योंकि अब तुम बहुत छोटे हो। जब बड़े हो जाओगी तब मैं तुम्हारे नाम पे मेरी जायदाद दे दूंगी। अरे ओ बुढ़िया ये क्या बोल रही हो? तुम्हारे जायदाद के वजह से मैं इस जग्गू को घर वापस लाई हूँ। ऐसा गौरी कव्वा अपनी दिल की बात सभी पक्षियों के सामने कह देती है। माँ इसीलिए तुम मुझे ये घर में वापस ले आई हो, मैंने सोचा कि तुम बदल गई हो। रानू चिड़िया आंटी के पास मैं बहुत खुश था। जग्गू बेटा देख लिया ना अपनी माँ की असलियत, तुम अभी भी मेरे बेटे हो, चलो वापस घर चलते हैं। सभी पक्षियाँ गौरी कव्वे को बातें सुनाने लगती हैं। जग्गू कव्वा रानू के पास बहुत खुशी से रहने लगता है। रानू भी जग्गू कव्वे को अपने बेटे जैसे प्यार करने लगती हैं। फिर सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं। रानू चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा का एक छोटा सा खेत था। उस खेत में टुन्नू और कबूतर मिलकर मेहनत करके तरह तरह के सब्जियां उगाया करते थे। सुनो टुन्नू हम इस बार इस खेत पर जामुन की फसल उगाएंगे क्योंकि बाजार में जामुनों की बड़ी ही डिमांड है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, कल सुबह तुम शहर जाकर जामुनों की अच्छी बीज लेकर आना। ये लो ये तुम्हारे शहर जाने और बीज के पैसे। दूसरी तरफ कालू कव्वा और गौरी उन दोनों की दोस्ती से बहुत जलते थे। ओए कालू जी सुना है उस रानू का पति टुन्नू चिड़ा और वो कबूतर खेत में जामुन की फसल उगा रही है। अगर वो रानू उन जामुनों की फसल की वजह से अमीर हो गई तो वो सब मेरे आँखों को अच्छा नहीं लगेगा। आप ही कुछ करिए कालू जी। गौरी मैं सोच रहा हूँ कबूतर को बातों में डाल के नकली जामुन के बीज दे दूँ। मगर हमारे पास नकली जामुन के बीज कहाँ से आएंगे? मेरे मामा जी है ना वो नकली फसल के बीज बेचते हैं, मैं सुबह जाकर उनके पास से ही लेकर आऊँगा। ऐसा सोचकर वो कालू कव्वा अपने मामा के यहाँ से नकली बीज ले आता है। बुतर मैंने सुना है तुम और वो टुन्नू चिड़ा इस खेत पर जामुन की फसल उगा रहे हैं। हाँ लेकिन इसमें तुमको क्या दिक्कत है? तुमको क्या लेना देना, जाओ यहाँ से। अरे कबूतर मैं तो तुमसे अच्छी बात कहने आया हूँ लेकिन तुम तो मुझे यहाँ से भगा रही हो, क्या बात है जल्दी से बताओ। मेरे मामा जी का बहुत बड़ा बींजों का दुकान है,
मैंने अपने लिए कुछ जामुन के बीज मंगवाए हैं, वो भी कम दामों में। अगर तुमको चाहिए तो मुझसे ले लेना। अच्छा, ये बात है। चलो ठीक है, मैं कल तुम्हारे पास पैसे लेकर आऊँगा। तुम मुझे वो बीज दे देना, शहर जाने के पैसे बच जाएंगे। कबूतर थोड़े पैसे बचाने के लिए उस कालू कौवे के पास से नकली बीज खरीद लेता है। फिर बेचारा वो कबूतर सुबह से शाम मेहनत करते हुए उन जामुनों के बीजों को मिट्टी में बो देता है। ऐसे ही एक सप्ताह गुजर जाता है। वो कबूतर जामुनों के पौधों को देखने वहाँ आता है, लेकिन उसको तो एक भी पौधा नजर नहीं आता है। वो तुरंत रोते हुए टुन्नो चिड़ा के घर जाता है और सारी बातें बताने लगता है। हम लूट गए, बर्बाद हो गए। वो कालू ने तो मुझे नकली बीज दिए थे। मुझे माफ कर दो टुन्नो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी है। कुछ पैसों के लिए मैं उस कालू से बीज खरीद लिया था। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मैंने तुमको पहले ही कहा था ना, शहर जाकर बीज खरीदना, लेकिन तुम उस कालू से क्यों खरीद कर ले आए हो? जाने दीजिए कबूतर भैया, ऐसे रोइए मत। आप शहर जाकर असली बीज ले आइए। आपको जो भी पैसे चाहिए मैं दे देती हूँ। टुन्नो जी, आप कबूतर भैया को मत डांटिए, उनको उनकी गलती समझ आ गई है। नहीं रानू बहन, मुझे कुछ भी आपसे पैसे नहीं चाहिए। मैं घर बनाने के लिए अपने लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, उन्हीं पैसों से बीज लेकर आऊँगा, यही मेरी सजा है। ऐसा कहते हुए वो कबूतर अपनी जमा पूंजी से असली बीज खरीद कर ले आता है। टुन्नु और कबूतर मिलकर दोनों मेहनत करते हुए उन जामुनों के बीजों को खेत में बो देते हैं। कुछ दिनों बाद वो अपनी खेत में आकर देखते हैं तो उन दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उनके खेत में ढेर सारे मीठे मीठे बड़े वाले जामुनों के पेड़ उग आए हैं। दोनों, मुझे इन काले काले बड़े जामुनों को देखकर बहुत खुश हो रही है। आखिरकार हमारे पेड़ को भी जामुन लग गए हैं, हमारी मेहनत रंग लाई है। हाँ कबूतर, अब जल्दी से इन जामुनों को तोड़कर बाजार में बेचो, फिर हम आधे आधे पैसे बांट लेंगे। फिर वो दोनों जो भी जामुनों को बेचकर पैसे आए थे आधे आधे हिस्से में बांट लेते ही। उन पैसों से कबूतर अपने लिए एक पक्का मकान बना लेता है। ये बात गौरी और कालू को पता चलने में वो दोनों बहुत जलने लगते हैं। कालू जी जाइए, अब जाकर उस कबूतर को टुन्नू के खिलाफ भड़काइए। फिर वो कालू कौवा भागते हुए कालू कौवे के पास आता है और टुन्नू के बारे में बुराइयां बोलने लगता है। कबूतर, सारी मेहनत तो तुमने की है, फिर आधे पैसे ही क्यों लेकर आए हो? पूरे क्यों नहीं लेकर आए हो? जाओ टुन्नू के पास जाकर पूरे पैसे लेकर आओ। ये बात सुनते ही कबूतर को बहुत गुस्सा आता है। वो कालू कौवे की खूब पिटाई करता है। जैसे तैसे कालू कौवा वहाँ से बचकर उड़ जाता है। पता नहीं ये गोरी की बच्ची हमेशा मुझे ही क्यों पिटवाती है। अभी इसको घर जाकर बताता हूँ। दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानू और दो बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है, क्योंकि उसकी खेत पर पूरे साल मीठे मीठे जामुन